नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक के इस खास शो में आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की इसलिए क्योंकि सोमवार को शेयर मार्केट काफ़ी शानदार रह सकता है और उसके पीछे तीन बड़े फैक्टर हैं, लेकिन वो फैक्टर हम गिनाने से पहले आपको बताएंगे कि आज यानी शुक्रवार को शेयर बाजार का हाल कैसा रहा। शुक्रवार को बाजार में बड़ी गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स लगभग 800 अंक गिरकर 74,244 पर आ गया और इसी तरह से निफ्टी भी 1% नीचे आ गया। बाजार में गिरावट की आखिर मुख्य वजह क्या रही, ये भी आपको बता देते हैं। एक तो FPI वाला मसला बाजार के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला हो रहा है। FPI के जो मॉरिशस रूट से इन्वेस्टमेंट होता था उसको लेके जो टैक्स छूट का मामला था उसमें सरकार की सख्ती इन्वेस्टर्स को परेशान कर रही है और इस वजह से शायद आज मार्केट में गिरावट आई। इसी तरह से बाजार के लिए अमेरिका भी एक फैक्टर बन रहा है जो मार्केट का सेंटीमेंट खराब कर रहा है। अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं उसको लेके बाजार परेशान है। तीसरी चीज़ जो बाजार के सामने थोड़ी सी चिंता पैदा करने वाली है वो है मिडिल ईस्ट, यानी इसराइल और ईरान के बीच में जो जंग के हालात पैदा हुए हैं उसको लेके भी पूरे ग्लोबल लेवल पर परेशानी है और वो भारत के बाज़ार पर भी, हालांकि अभी ऐसे हालात नहीं, लेकिन जो जिस तरह की एडवाइजरीज दी जा रही हैं और बाकी चीज़ें हैं तो वो टेंशन एक है और उसको लेके मार्केट में भी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अब तीन बड़ी ऐसी खबरें हैं जो कि सोमवार को या कहें पूरे अगले पूरे हफ्ते बाज़ार का जो पूरा माहौल है उसको बुलिश रख सकती हैं। क्या हैं वो तीनों चीज़ें, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आज का बड़ा अपडेट या बड़ी खबर ये है, TCS के नतीजे आए हैं। TCS ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे आज जारी किए हैं। इन नतीजों में जो उम्मीद से बेहतर TCS ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट पेश किए हैं, हम आपको बताते हैं कि TCS के नतीजे क्या हैं। TCS का जो नेट प्रॉफिट है चौथी तिमाही में वो 9% बढ़ के 12,434 करोड़ रुपये रहा है। ये एक साल पहले 11,392 करोड़ था, एक साल पहले की मार्च क्वार्टर में। इसी तरह से चौथी तिमाही में TCS ने 13 अरब डॉलर से ज़्यादा की रिकॉर्ड डील्स हासिल की हैं। पूरे वित्त वर्ष की अगर हम बात करें तो 42 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की TCS को डील्स मिली हैं। TCS के नतीजे उम्मीद से बेहतर बताए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरे IT सेक्टर के भी जो नतीजे हैं वो इसी तर्ज पर रह सकते हैं। दूसरी खबर जो मार्केट के लिए अच्छी है वो है इन्फ्लेशन के आंकड़े। आज इन्फ्लेशन के का डेटा आया है, मार्च का रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई का। महंगाई से आपको पता है पिछला पूरा 1.5-2 साल से पूरी दुनिया, भारत सब परेशान है, लेकिन मार्च के जो महंगाई के का जो डेटा आया है वो 10 महीने के लो लेवल का डेटा है और 4.85% रही है मार्च में खुदरा महंगाई। ये सरकार, आम लोगों और RBI तीनों के लिए राहत की खबर है। महंगाई को लेकर लगातार फिक्र जाहिर हो रही थी और अभी जो अप्रैल में इस फिस्कल ईयर की पहली मॉनेटरी पॉलिसी RBI ने जारी की थी उसमें भी उन्होंने रेट को, जो रेपो रेट है उसको 6.5% पर बरकरार रखा था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। होम लोन, पर्सनल लोन और दूसरे ऑटो लोन जैसे जितने भी तरह के लोगों ने लोन लिए हैं वो सब एक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अब शायद रेट कट का दौर आएगा और उनकी EMI कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। RBI ने 7वीं दफ़ा भी रेट कट नहीं किया। अब जून में जो दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी उसमें अब आज के जो डेटा आया है, अगर मई का भी ऐसे इसी तरह के ट्रेंड रहते हैं तो हो सकता है कि RBI अगले दौर में यानी जून की बैठक में ब्याज दरों पर कोई फैसला करे और लोगों को उनकी EMI में राहत मिले। तो ये एक बड़ी खबर है और मंडे को मार्केट इस चीज़ को फैक्टर इन कर सकता है, इस ये अच्छी खबर को। बाजार के लिए तीसरी बड़ी खुशखबरी है IIP का डेटा। आज IIP का डेटा भी आया है। IIP यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आया है और ये जो आंकड़ा है फरवरी का आंकड़ा आया है आज, उसमें जो IIP ग्रोथ है वो 5.7% पर आ गई है और ये 4 महीने का हाई लेवल है। तो ये भी एक अच्छा डेटा है मार्केट के लिए। तो ये वो तीन फैक्टर हमने बताए यहाँ पर जिनकी वजह से अगले हफ्ते सोमवार को बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाई दे सकता है। आपको ये खबर, ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें बिस्तक।